नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वास्तु फॉर फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स। अब ये वास्तु जो फ्लैट्स और अपार्टमेंट में होता है, ये बहुत डिफरेंट होता है नॉर्मल घरों के वास्तु से। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि विलाज में या नॉर्मल जो घर हैं उसमें वास्तु कैसे किया जाता है, बट आज हम अभी इस वीडियो में बात कर रहे हैं वास्तु फॉर फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट। तो अपार्टमेंट और फ्लैटों में वास्तु कंसल्टेंट क्या कर रहे हैं कि वही अपना नॉर्मल जो घर में वास्तु अप्लाई, वास्तु फॉर होम जो बेसिकली टॉपिक है, उसको सेम वास्तु को वो अप्लाई कर रहे हैं वास्तु फॉर फ्लैट में, कि फ्लैट में भी वही सेम वास्तु रूल्स उन्होंने फॉलो करे हैं जो वो घरों में फॉलो कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कोई भी फ्लैट इस दुनिया में वास्तु से नहीं बन रहा, बट और फ्लैट कल्चर कितना बढ़ गया है, हर जगह फ्लैट बन रहे हैं, हर सिटी में, हर स्टेट में आप देखिए फ्लैट सिस्टम आ चुका है। हाँ, इससे फ़ायदे भी हैं हमारे और नुकसान भी हैं। फ़ायदे क्या हैं कि हमारा स्पेस बहुत बच रहा है। नुकसान ये है कि कोई भी फ्लैट वास्तु से बना हुआ नहीं है। हर फ्लैट में कहीं ना कहीं कोई कट मिलेगा और कोई या कोई ना कोई एक्सटेंशन मिलेगी। बहुत बार ऐसा होता है फ्लैट डायगोनल होते हैं, कोई गेट गलत जगह पे आ रहा है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, फ्लैट और अपार्टमेंट का वास्तु डिफरेंट होता है। नॉर्मल घर वाला वास्तु आप अप्लाई नहीं कर सकते उसमें। फ्लैट और अपार्टमेंट में आपका हमेशा क्या आपको मिलता है कि कोई ना कोई डायरेक्शन या तो बढ़ रही होती है आपकी, या कोई ना कोई डायरेक्शन कट रही होती है, जहाँ पे वास्तु कंसल्टेंट मेन कमाई करता है, जिसको बोलते बहम पैदा कर देगा आपके माइंड में कि जी आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन कट रही है, नॉर्थ डायरेक्शन कट रही है, वेस्ट बढ़ रहा है, साउथ बढ़ रहा है, इस तरीके से। जबकि इसके इलाज हमेशा याद रखिए कि कोई महंगे नहीं होते, इन सब चीज़ों का इलाज बहुत सस्ता है। कोई भी डायरेक्शन आपके घर में कट रही है या एक्सटेंड हो रही है, इनकी रेमेडी बहुत चीप होती है, सस्ती होती है। इनकी रेमेडीज़ कोई महंगी नहीं है, बट इसमें मेन पॉइंट क्या आता है कि वहाँ पे एनर्जी आपको कैसी मिल रही है। अगर आपके फ्लैट की वाइब्रेशन नॉर्मल है, पॉजिटिव भी नहीं है, अगर नॉर्मल है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो इन दैट केस हाँ, हो सकता है अगर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लो है तो आपको फ्लैट छोड़ना भी पड़े। वास्तु कंसल्टेंट आपको, अगर कोई भी वास्तु कंसल्टेंट आपकी एनर्जी स्कैनिंग कर रहा है, घर की वाइब्रेशन चेक कर रहा है फ्लैट लेने से पहले, तो हो सकता है वो आपको बोले यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन मिल रही है, आप इसको मत लीजिए, यहाँ पे क्योर करने का भी 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट अगर आपके फ्लैट में या अपार्टमेंट में एनर्जीज नॉर्मल मिल रही हैं, न्यूट्रल भी मिल रही हैं, तो भी इन चीज़ों के क्योर कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, बहुत चीप और सस्ती रेमेडीज इनकी अवेलेबल हैं। दोस्तों, अगली बार फ्लैट या अपार्टमेंट में वास्तु कराने से पहले ध्यान करें कि अच्छे से वो एनर्जी स्कैन करें और वो क्या आपको रेमेडीज बता रहा है कट्स और एक्सटेंशंस की, या जो भी आपके घर में डिफेक्ट मिल रहा है। अगला हम टॉपिक पे बात करेंगे अपने वास्तु फॉर विला और वास्तु फॉर होम। तो तब तक के लिए धन्यवाद।